पैदावार बढ़ाने के हमारे पास अलग अलग तरीकों से हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं। एक तो सॉइल फर्टिलिटी से, वाटर कंजर्वेशन, उसका उपयोग करने के तरीके। तो वो उपयोग करने के तरीकों में एक तरीका हमने देखा कि अगर हमारे ज़मीनों में ढाल है तो उसमें अगर कंट्रोल प्रणाली को उपयोग में लिया जाए तो हमें किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। हम कोई भी चीज़ का अगर इस्तेमाल करते हैं, हर एक में आजकल प्लास्टिक जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने फिर क्या किया है, ये कंट्रोल प्रणाली को विकसित किया है। ये कंट्रोल प्रणाली में होता है कि इस तरह के दो स्टंप होते हैं। अब ये दो स्टंप हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और इनोवेशन करके इसको नए तकनीक से बनाया है। पहले हम लकड़े के बनाते थे, अब लकड़े के न बनाते हुए हमने इसको एक लोखंड का ये दे दिया सीधा नीचे। ये लकड़े का स्टैंड है, ये स्टैंड में एक पट्टी लगा दी और उसमें नट बोल्ट से उसको पट्टी को फिट कर दिया ताकि वो स्टैंड रहे बना हुआ। अब ये स्टैंड बना हुआ है, इसको हमने इसके साथ सेट कर दिया उस स्टैंड को, तो वो खड़े रहेगा। अब इसको फिर हमने क्या किया, सिर्फ एक फिट की टेप लगा दी। नए तकनीक में ये एक फिट की टेप है, जूने तकनीक में हम पूरी 5 फिट की लगाते थे, लेकिन नई तकनीक में 1 फिट की ये टेप लगा दी। अब ये टेप को ही पैरेलल फिर ये वाटर पाइप लगा दिया। अब ये वाटर पाइप लगा दिया तो इससे हम पूरी लेवल निकालते हैं। इस तरह से एक आदमी एक छोर पे होता है, दूसरा आदमी दूसरे छोर पे है, इससे फिर कंट्रोल लाइन निकाली जाती है और उसको पैरेलल फिर हम उसके बेड बनाते हैं। इस तरह से एक तो ये तकनीक होगी कि हम लोखंड के औजार के साथ इसको बनाए हैं। ये थोड़ा वजन में ज़्यादा होता है, लेकिन इसको अगर पाइप को हम हल्का ले तो हल्का भी हो जाएगा। इस तरह से ये लोखंड का। दूसरा, हम इसमें फिर लेवल निकालना है तो उसके पहले पानी भरते हैं। तो पानी भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब वो पाइप का एक छोर उसमें डुबा दिया और दूसरे छोर को नीचे कर देते हैं तो वो कैन में का पानी अब आना चालू हो जाएगा। अब वो पानी खींच रहा है, इस तरह से इसमें पानी भरा जाता है। अभी ये पानी भरना चालू है इसका। अब ये उधर से ये पानी आ रहा है, इधर से निकल रहा है। अब इधर से निकलना चालू हो गया, इसका मतलब ये पाइप अब पूरा भर चुका है। अब ये पाइप भर गया तो इसमें कहीं देख लेते हैं कहीं एयर वगैरह तो नहीं है। एयर रही तो भी हमारा फिर लेवल का मिस्टेक होता है। अब एयर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसको खड़े कर देंगे। अब ये पाइप ये तैयार हो गया कंट्रोल लाइन बनाने के लिए। अब इससे फिर हम कंट्रोल लाइन बनाते हैं। तो एक तो ये इंस्ट्रूमेंट बनाने का एक ये तरीका है हमारा कि हमने 1 फिट की पट्टी को इसमें नट बोल्ट से टाइट करके, आगे पीछे से नट बोल्ट है और ये नट बोल्ट में इसमें हमने 1 फिट की पट्टी टाइट कर दी है। इससे अब हम कंट्रोल लाइन निकालते हैं। तो इसका लाभ क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन सिर्फ इसका इस्तेमाल करने से ढाल वाली ज़मीन में 2 टाइम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो अक्टूबर से लेके तो इसको मार्च अप्रैल तक हम इस्तेमाल करते हैं ये तकनीक को। अब मार्च अप्रैल तक इस्तेमाल करते हैं, बारिश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक की जितनी भी पैदावार लेंगे टोटली पैदावार ये कंट्रोल बेस पे होगी। इस तरह से हम लोग अपनी पैदावार को ये तकनीक से बढ़ा दिए। अब इसका दूसरा हमारा बनाने का तरीका क्या, दूसरा हम बना रहे हैं इसको, देखिए ये है लकड़े का, इसको सागौन की लकड़ी ली हमने, सागौन की लकड़ी में ये इसमें इसको सेट कर दिया, इसमें फिट कर दिया। यहाँ पे पट्टी आएगी, ये जब पूरा बन जाएगा या बनाते वक्त हम इसका आपको बताएंगे कि कैसा होता है। अब इसमें एक पट्टी यहाँ से ऐसा जोड़ देंगे ताकि और मजबूत हो जाए, एक लोखंड की पट्टी यहाँ पे ऐसा जोड़ देंगे। फिर बाद में इसको एक पूरी टेप आती है पैरेलल 5 फुट की और उसको पैरेलल फिर पाइप जोड़ा जाता है। तो एक तो तरीका यह है, ये ज़्यादा सुधार के बनाया हुआ है कि इसमें हमको लकड़े की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इसमें लकड़ा लगता है तो भविष्य में हमें पेड़ तो काटने नहीं है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा इस किया कि लोखंड से बनाया जा सकता है क्या इसको। अभी लोखंड का भी बड़ा सुंदर बन गया है वो। इस तरह से एक तरीका यह है कि लकड़े का हम भी बना सकते हैं, लोखंड का भी हम बना सकते हैं।